नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस जवानों के बीच अजीबोगरीब घटना घटी। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में जवान मंगलवार को इकट्ठा थे। वहां मौजूद पुलिस जवान अचानक ही दो गुटों में बंट गए और दंगा शुरू कर दिया। एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आपस में भिड़े पुलिस जवानों को छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस वालों की पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस की ओर से ही आंसू गैस के गोले दागे गए। काफी देर की मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। पूरे घटनाक्रम पर जिसकी भी निगाह पड़ी सब हैरान रह गए। दरअसल राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को पुलिस का मॉक ड्रिल। पुलिस की शब्दावली में इसे बलवा ड्रिल भी कहा जाता है। इसमें रायपुर पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी, शहर के थाना प्रभारी, थानों का व रक्षित केंद्र तथा पुलिस प्रशिक्षित विद्यालय माना का बल शामिल था। जिला प्रशासन के भी मजिस्ट्रेट ड्यूटी करने वाले ADM, SDM व सभी मजिस्ट्रेट शामिल हुए। पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल व जिला कलेक्टर की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में कानून व्यवस्था की स्थिति में अश्रु गैस व वाटर कैनन के उपयोग का भी अभ्यास जवानों को कराया गया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।